फुल चार्ज रखें, पावर प्लग से कनेक्ट रखें, फोन को पूरी तरह एनक्रिप्ट होने में एक घंटे तक का समय लग सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज रखें या एनक्रिप्शन के दौरान इसे पावर प्लग से कनेक्ट भी रखें तो बेहतर होगा। ये सब करने के बाद आप इस पास पर जाएं। सेटिंग्स, सिक्योरिटी, एनक्रिप्शन, बैटरी रीसेट, सेटअप, जंप वीडियो। दरअसल सेटअप पूरा होने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज के मुताबिक एक जंक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ऐसा करने से आपके फोन में अगर कोई डेटा रह भी गया हो तो वो ओवरराइट हो जाएगा। दूसरी मिथ है मिथ टू, दूसरी कंपनी के चार्जर इस्तेमाल करने से फोन खराब हो जाता है। फोन की लाइफ काफी हद तक उसकी चार्जिंग टेक्निक पर निर्भर करती है। तीन खास इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और अपने फोन को कहिए आयुष्मान भव। अगर आपका चार्जर 5 वोल्ट की आउटपुट दे रहा हो तो कभी भी 5 वोल्ट से कम या ज्यादा वोल्ट वाले चार्जर का इस्तेमाल ना करें, वरना या तो फोन बहुत धीमा चार्ज होगा या फिर आपका फोन तालिबान बन जाएगा। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो चार्जिंग पॉइंट से जुड़े हैं। चार्जिंग के लिए आप ऑल्टरनेट मोड या पैसिव मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन लैपटॉप या सीपीयू। ऐसे डिवाइसेस से चार्जिंग का तरीका आपके फोन को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए कोशिश करें डायरेक्ट चार्जिंग की। बहुत अर्जेंसी हो तो आप अपनी पावर बैंक यूज कर सकते हैं। चार्जिंग से जुड़ी तीसरी और आखिरी टिप, फोन की स्क्रीन पर 100% फुली चार्ज दिखा देख आप कितने रिलैक्स्ड हो जाते हैं। इस पर आपको पता है किसी एंड्रॉइड की आइडियल चार्जिंग रेंज होती है 40-90%। जी सही सुना आपने, अगर आपका फोन ज्यादातर 40-90% की चार्जिंग स्टेट में रहता है तो आपके फोन की लाइफ बढ़ जाती है। बात तीसरे मिथ की, मैकबुक में वायरस नहीं आता। अगर आपको लगता है कि आप एप्पल वाले हैं और वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो ऐसा नहीं है। साल 2006 याद कर लीजिए, नाम था डीप वायरस, जिसने मैकबुक को अपने हरफ में ले लिया था। उस वक्त आईचैट से जुड़े लोगों को फर्जी मैसेजेस मिल रहे थे, माहौल अफरा तफरी का हो गया था। फिर एप्पल वालों ने जबरदस्त मेहनत की और वायरस फ्री माहौल बनाने की कवायद शुरू की। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंटीवायरस भी आते हैं, पर चुके एप्पल जल्दी जल्दी अपडेट्स देता है, इसीलिए यूजर को इसका इल्म नहीं होता कि कोई वायरस या बग आया हो। इसलिए अपने फोन को लेकर आप ज्यादा लापरवाह ना रहा करें। गैजेट डेस्क, सूर्या समाचार। और अगर आपने व्हाट्सएप को अपडेट करने की सोच रखी है तो थोड़ा रुके, ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। व्हाट्सएप के अगले अपडेट में एक बग डिटेक्ट हुआ है। एंड्रॉइड फोन के व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन